भारतीय टीम ने शानदार फील्डिंग करते हुए वेस्टइंडीज की टीम को 176 रनों पर ऑल आउट कर दिया और अब निगाहें भारतीय बल्लेबाजों पर होंगी कि वो इस लक्ष्य को कितनी जल्दी और आसानी से हासिल करती हैं। वहीं अगर इस मैच की बात करें तो एक नहीं कई मजेदार नज़ारे देखने को मिले हैं। मैच के दौरान कोहली को भी कप्तान रोहित शर्मा की कई मौकों पर मदद करते हुए देखा गया। इस दौरान एक पल ऐसा आया जब रोहित शर्मा DRS लेने को लेकर काफी कंफ्यूज थे, लेकिन तब कोहली ने उनको रिव्यू लेने के लिए फोर्स किया और भारतीय टीम को एक और विकेट लेने में सफलता मिल गई। दरअसल 22वें ओवर में जब चहल गेंदबाजी कर रहे थे तो गेंद शामार बुक्स के बल्ले को लगकर ऋषभ पंत के हाथों में चली गई, लेकिन एम्पायर ने नॉट आउट दिया, जिसके बाद चहल रोहित को DRS लेने के लिए कहने लगे, लेकिन पंत मना कर रहे थे। कुल मिलाकर रोहित शर्मा कंफ्यूज थे कि वो क्या करें। तभी कोहली रोहित के पास जाकर उन्हें रिव्यू के लिए बोलते हैं, तो विराट की बात मानकर रोहित ने DRS लिया और एम्पायर को अपना फैसला बदलना पड़ा और ऐसे टीम इंडिया को अपना एक और विकेट मिला। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। रोहित और विराट की चैट स्टंप पाइक में भी रिकॉर्ड हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग कई बार इसको सुन रहे हैं। विराट कोहली ने आखिर अपना वादा निभाया और उन्होंने एक लीडर के तौर पर अच्छी भूमिका निभाई, रोहित शर्मा को पूरा साथ दिया और उनके साथ ने टीम इंडिया को एक और विकेट लेने में सफलता दिलाई। तो अगर आपको भी विराट कोहली का ये अंदाज पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें।